रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर डडवाल में सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के साथ लगते मकान पर जा गिरा। हालांकि इस घटना में परिजन बाल बाल बच गए, लेकिन मकान का काफी नुकसान हुआ है। वही मकान के पास खड़ी की गई बाइक भी इसकी चपेट में आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रक बरमाना से कीर्तपुर जा रहा था, जो सीमेंट से भरा हुआ था। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना स्वारगाट को दी गई। स्वारगाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। मकान मालिक दीवाना राम पुत्र सोनू राम ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे एक धमाका हुआ। जब उठकर देखा तो लेंटर पर एक ट्रक गिरा मिला। धमाके की आवाज से सभी परिजन घर से बाहर निकल गए। गौरतलब है कि इस स्थान पर पहले भी एक गाड़ी गिरी थी, तब यह मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। दीवाना राम ने बताया कि अगर लोक निर्माण विभाग इस मोड़ पर पैरापेट लगा देते तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि दुर्घटना स्थल पर विभाग को पैरापेट लगाने के आदेश दें, ताकि आइंदा तीसरी बार ऐसी घटना होने से बच सके। साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि मकान के नुकसान व बाइक के नुकसान की भरपाई गाड़ी के मालिक से करवाई जाए। मेरा नाम सुभाष है और गांव डडवाल। सुबह 4:30-5 बजे के करीब जोर से धमाका हुआ जी, और जब बाहर निकल के देखा तो गाड़ी लेंटर के ऊपर पड़ी हुई थी, जिससे हमारा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। टोटल मकान मतलब टूट गया है और एक बाइक भी नीचे आ गई है। और PWD से हम यही डिमांड करते हैं कि यहाँ ब्लैक स्पॉट बनाया जाए और रेलिंग वगैरह लगाई जाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।